उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस इन दिनों बदमाशों पर काल बनकर टूट रही है। आज फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि मुठभेड़ की है घटना मीरापुर थाना क्षेत्र के बिजनौर रोड की है, जहां चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को जब रोका गया तो कार सवार कार को लेकर जंगल की तरफ भागे। पुलिस ने जब कार का पीछा किया तो शिवपुरी गांव के जंगलों में बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में कार में सवार 3 बदमाशों को गोली लगी। घायल तीनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। पकड़े गए तीनों बदमाशों के पास से लूटी गई कार और 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए तीनों बदमाशों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे और पुलिस काफी समय से इनको पकड़ने की फिराक में थी। इसके अलावा भी कई आपराधिक मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं। पुलिस इनकी कुंडली खंगालने में जुटी है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट। मीरापुर SHO और क्राइम ब्रांच की तरफ से सूचना दी गई थी कि एक स्विफ्ट गाड़ी जो कि बिजनौर की तरफ से आ रही है और इसमें कुछ बदमाश हैं जो मीरापुर के कस्बे में कहीं लूटपाट करने की प्लानिंग करने के लिए आ रहे हैं। इसकी सूचना पर मीरापुर पुलिस ने घेराबंदी की हुई थी, चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी BIT चौकी जो क्षेत्र पड़ता है मीरापुर क्षेत्र में, बिजनौर की तरफ से आ रही थी, उसे चेक किया गया तो वो स्विफ्ट गाड़ी भागी है जंगलों की तरफ और शिवपुरी के जंगल में जाकर के इनकी घेराबंदी की गई है, जिसमें बदमाशों के द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें रिटेलिएशन में पुलिस पार्टी ने भी गोली चलाई है, जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी है और तीनों के पास एक एक CMP बरामद हुआ है, 12 बोर, 315 बोर और इनके 3 तमंचे प्लस कार्ट्रिजेज रिकवर किए गए हैं। आदि के इतिहास पता किया जा रहा है, ये कैराना के हैं और इनमें से एक अभी क्रिमिनल हिस्ट्री पता कराई जा रही है, डिटेल में वो पूरी मिल जाएगी। ये एक गाड़ी इनसे स्विफ्ट कार जो कि इन्होंने पिछले दिनों में रामपुर मनिहारान से बुक कराई थी, जाके सरदना क्षेत्र में लूट ली थी, तो वो रिकवर हुई है। बाकी इनसे रिकवरी की और चीज़ें पता की जा रही हैं, बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी पता लगाई जा रही है।